अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। सो उम्मीद करते हैं सभी खैरो खैरियत से होंगे। सो फैमिली, आज का जो सिलसिला है वो कुछ इस तरीके का है कि आज का जो दिन है वो है ट्यूसडे। तो आज का सिलसिला कुछ ऐसा है कि मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ 7:30 बजे। पूरा दिन तो गायब हो गया, अब 7:30 बजे याद आए व्लॉग शुरू करने का। सब कुछ कर करा कर फारिग हो चुका हूँ, अभी बस जिम जाने की देर है और जिम चलते हैं। और आज करेंगे हम अपना बैक का वर्कआउट। मेरे पिछले व्लॉग में भी मैंने बैक का वर्कआउट करा था इस बार मैं थोड़ी सी बैक की एक्सरसाइज चेंज करूँगा, वो चलते हैं तो देखते हैं भाई कौन सी करूँगा आज। तो अभी करते हैं जिम के टाइम का इंतज़ार, फिर चलते हैं जिम और करते हैं फिर बैक का वर्कआउट शुरू। टाइम हो गया है अपने जिम जाने का, सो अभी चलते हैं जिम। और बताओ ये हुडी कैसी लग रही है, लग रहा हूँ ना शाहरुख खान। जी मेरा बेटा नहीं ये ना पिए को बार बार फोकस पे छोड़ देते। ऑल राइट, सो घर आ गया हूँ मैं जिम से। तो डिनर वगैरह मैंने कर लिया था। सो अभी जो मेरा एक इम्पोर्टेंट काम था यूट्यूब के मुताबिक ही है, वो है कि यार मैंने सोचा क्यों ना मैं अब शॉर्ट्स भी बनाना शुरू कर दूँ। तो शॉर्ट्स बनाने के लिए मुझे यार एक अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए। सो उसके लिए मैंने दराज से क्रोमा की जो फंक्शन होता है उसको इरेज करने के लिए पेपर आता है, कपड़ा पेपर जो भी है वो मैंने ऑर्डर किया था। सो वो आ चुका है, अभी उसको मैं सेट करता हूँ, लगाता हूँ। ये है थोर का हैमर, इससे लगाऊंगा मैं। ये बन चुका है मेरा बैकग्राउंड फॉर दी शॉर्ट्स। मैंने शुरू करा था 11 बजे और टाइम हो चुका है 11:30 से ऊपर, मेरे ख्याल से 11:45। तो 45 मिनट सिर्फ इसी को लगाने में लगे बैकग्राउंड को। मेरे शॉर्ट्स भी आएंगे इसी बैकग्राउंड पे इंशाल्लाह। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जाकर अपना बैक का वर्कआउट करूँगा, मैंने बैक का वर्कआउट ही करना था, लेकिन मैंने चिना पारते हुए ना मेरे शोल्डर के जो मेरा शोल्डर का रेयर हेड है वहाँ पर ना झटका आ गया, तो जिस वजह से मैंने फिर बैक का वर्कआउट छोड़ के ट्राइसेप का वर्कआउट शुरू किया था। अभी मैंने बाइक वगैरह सारी अंदर कर दी, अपना बैकग्राउंड वगैरह लग गया है, शॉर्ट्स वगैरह के लिए रेडी हो जाओ। अभी से सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर देना ताकि मैं तुम्हें शॉर्ट्स पर भी परेशान कर सकूँ, समझ गए। सो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, फिर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।